आज हम फ्यूनेरिया के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूनेरिया जो है वो ब्रायोफाइटा में आता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में एक ग्रुप है ब्रायोप्सिडा, उसमें फ्यूनेरिया आता है। उसको मसाई और कॉड मॉस भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा जो है, हर ब्रायोफाइटा डैम प्लेस में, गिले हुए सॉयल में और छायादार जगह में पाया जाता है, डैम्प वॉल में भी, भीगे हुए वॉल में भी। और ये फ्यूनेरिया का जो ग्रुप है, मस एकदम वेलवेट लाइक ग्रीन कलर के बहुत ज्यादा संख्या में ग्रो करते हैं, जैसे दीवार में, किसी भीगे हुए जगह में, बहुत अच्छा वेलवेट जैसा दिखता है, ठीक है। इसके बहुत सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा के सबसे बड़ा ग्रुप बोल सकते हो, सबसे बड़ा ग्रुप होता है ब्रायोप्सिडा। फ्यूनेरिया के जितने भी मेम्बर्स हैं उसमें सब ब्रायोप्सिडा के मेम्बर सबसे ज्यादा ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। तो इसके प्लांट जो है थोड़ा डेवलप होता है, क्योंकि इसमें एक मेन एक्सिस राइजॉइड और स्टेम में इसका जो प्लांट है वो रूट स्टेम एंड लीफ में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। स्टेम नहीं बोलेंगे इसको, मेन एक्सिस बोलेंगे, क्योंकि ये वास्कुलर प्लांट्स नहीं होता। ब्रायोफाइटा में हर जितने भी ग्रुप है उसमें वास्कुलर बंडल नहीं बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है मेन एक्सिस, ठीक है। राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन पूरा राइजॉइड नहीं बोलेंगे इसको, राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेन एक्सिस होता है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे पूरे प्लांट जैसा दिखता है ब्रायोफाइटा के मोसाई, ठीक है। इसमें एक मेन एक्सिस रहेगा, मेन एक्सिस राइजॉइड से लगा हुआ रहता है, और उस मेल एक्सिस में बहुत सारे लीप स्पाइरली अरेंज रहते हैं, पूरे स्टेम में स्पाइरली अरेंज रहता है छोटे छोटे लीप, ठीक है। इसमें और एक ब्रांच पाया जाता है, दो ब्रांच रहता है इसका। जो मेन ब्रांचेस रहता है ये फीमेल सूट, मतलब इसमें फीमेल ऑर्गेन बनता है, और जो इसके साइड वाले जो ब्रांच है उसमें मेल ऑर्गेन बनता है, इसको बोलते हैं मेल सूट, ठीक है। और सबसे ऊपर, इसके ऊपर एक इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलेंगे सीटा, और इसके ऊपर रहता है इस कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर भरा हुआ रहता है, इसमें स्पोर भरा रहता है, इसीलिए इस प्लांट्स को बोला जाता है स्पोरोफाइट, ठीक है। प्लांट बॉडी जो है एक मेन स्टेम रहेगा जिसको मेन एक्सिस बोलेंगे, उसके नीचे राइजॉइड्स रहता है, दो टाइप के ब्रांचेस पाए जाते हैं, एक को बोलेंगे फीमेल ब्रांच, दूसरे को बोलेंगे मेल ब्रांच, और सबसे ऊपर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे सीटा, और उसके ऊपर रहता है कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल के अंदर स्पोर भरा हुआ रहता है, ये प्लांट्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और इस प्लांट्स के नीचे इस टाइप के राइजॉइड्स पाया जाता है, इसके राइजॉइड्स भी बहुत सारे, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग रहता है, और मल्टी सेल्यूलर राइजॉइड्स पाया जाता है, इसको बोला जाता है प्रोटोनीमा, ठीक है। इस स्टेम के जब सेक्शन करेंगे, जैसे टीएस लेंगे, तो इसमें इस टाइप का दिखेगा इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटोमी में हम स्टेम टीएस देखते हैं स्टेम का, ठीक है। जो मेन एक्सिस है उस स्टेम का जब हम टीएस लेंगे, तो सबसे बाहर एक लेयर का एपिडर्मिस पाया जाता है, यूनी लेयर एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जो है उसमें क्लोरोफिल भरा हुआ पाया जाता है, एपिडर्मिस में क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद बहुत सारे पेरेन्काइमाटस लेयर पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, पेरेन्काइमाटस कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में फूड मटेरियल जो है स्टोर रहता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे मोटे मोटे वॉल वाले जो सेल्स है, लूजली अरेंज सेल, बहुत सारे छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं जो थिक वॉल्ड, मोटे मोटे वॉल का होता है, और इसको हम बोलेंगे कॉन्डक्टिंग स्ट्रैंड। इस बीच वाले को बोलेंगे कॉन्डक्टिंग स्ट्रैंड। कॉन्डक्टिंग स्ट्रैंड का काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाना, ठीक है। ये है यंग स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर। स्टेम जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, उसके बाद स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर ओल्ड स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने से ऐसा दिखेगा। सबसे बाहर एक लेयर का एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरेन्काइमाटस सेल, स्क्लेरेन्काइमाटस सेल्स मतलब डेड सेल, जिस सेल के बाहर सुबेरिन लिग्निन ये सब जमा हो जाने के कारण सेल डेड हो जाता है, उस टाइप के दो तीन लेयर पाया जाता है। उसके नीचे पेरेन्काइमाटस कॉर्टेक्स, उसके नीचे कॉन्डक्टिंग स्ट्रैंड, ठीक है। ये था स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम लीप का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। लीप के जब इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो इसके बीच में इस टाइप का विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीप का इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे विंग लाइक होता है,
ठीक है, बीच में एक वास्कुलर स्ट्रैंड पाया जाता है, जैसे मिडरिब, लिप का जो मिडरिब लिप ऐसा है, लिप के बीच में जो एक लाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलेंगे, मिडरिब। ये मिडरिब वाले भाग जो है उसी में वास्कुलर स्ट्रैंड पाया जाता है, ठीक है। और ये दोनों लिप जो है इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब लिप जो है बीच में थोड़ा सा गड्ढा टाइप का रहता है और दोनों साइड उठा हुआ, इसीलिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बना है। बीच में वास्कुलर स्टैंड और दोनों साइड में इस टाइप के बहुत सारे मेसोफिल सेल्स, इसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है, ठीक है। ये था लिप का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन टू टाइप होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें 5 मेथड से होता है। सबसे पहला है बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा। इसमें क्या होता है, जब प्लांट्स में स्पोर बनता है, स्पोरोफाइट प्लांट में जब स्पोर बनता है, उस स्पोर जो है जर्म ट्यूब, स्पोर जब जर्मिनेशन करता है उससे जो जर्म ट्यूब निकलता है, उस जर्म ट्यूब में बहुत सारा डिवीजन होता है, एकदम फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन जाता है बहुत सारे सेल का, ठीक है। स्पोर जब स्पोर बन जाता है इस प्लांट का, स्पोर के दो वाल रहते हैं, एक्साइन इंटाइन, और स्पोर वाटर एब्जॉर्ब करके जर्म ट्यूब निकलेगा। जर्म ट्यूब निकलने के बाद उसमें बहुत सारे डिवीजन होता है जर्म ट्यूब में, और एक बड़ा सा फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, और बहुत सारा ब्रांचिंग पाया जाता है। इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर के नीचे वाले भाग राइजोइड्स बनाएगा, ऊपर वाले भाग प्लांट बनाते हैं, लेकिन ऊपर ऐसे ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो अलग हो जाता है तो नया प्लांट्स, इट बर्ड लाइक स्ट्रक्चर से नया प्लांट्स बनता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोटोनिमा। इस टाइप से प्राइमरी प्रोटोनिमा से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होता है। सेकेंड है बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में क्या होता है कि स्पोर से, उसमें स्पोर से नहीं होता है रिप्रोडक्शन, स्पोर छोड़ के प्लांट्स के दूसरे पार्ट से, जैसे स्टेम, लीफ, राइजोइड्स, ये सब से जब ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें एक ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर बना, ये अलग हो जाने के बाद नया प्लांट्स बनाता है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। थर्ड है बाई गैमी। गैमी मतलब लीप के ऊपर, ये जो थैलस है लीप के ऊपर इस टाइप के कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ग्रीन कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसके अंदर पूरे पेरेन्काइमाटस सेल्स में क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, फूलने के बाद ये थैलस से अलग हो जाता है। इस स्ट्रक्चर जो अलग हो गया उससे नया प्लांट्स बनता है, इसको हम बोलेंगे गैमी, ठीक है। प्लांट्स का कोई भी पार्ट जैसे लीफ है उसके ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कप लाइक स्ट्रक्चर जो है ग्रीन है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद इस थैलस से अलग हो जाता है, अलग होकर नया थैलस बनाता है, इसको हम बोलेंगे गैमी, बाई गैमी, ठीक है। बाई बुलबिल्स, राइजोर्ट्स में और छोटे छोटे बहुत सारे रेस्टिंग बर्ड्स पाए जाते हैं, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर राइजोर्ट्स में बहुत सारा पाया जाता है, उस बर्ड्स बहुत दिन तक रेस्टिंग स्टेज में पड़ा रहता है। जब अनुकूल वातावरण मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन जब मिलता है उस समय ये डिवीजन करके नया थैलस बनाते हैं, इसको बोलते हैं बुलबिल्स। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है बुलबिल्स, ठीक है। बाई एपोस्पोरी, कई बार ऐसा होता है कि जिसके अंदर जो न्यूक्लियस रहता है उसमें कोई डिवीजन ही नहीं होता, बिना डिवीजन के ही नया प्लांट्स बन जाता है, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स के कोई भी पार्ट में बिना डिवीजन के नया प्लांट्स बन जाता है, बिना मियोसिस डिवीजन के जब नया प्लांट्स बन जाता है तब उसको बोला जाता है एपोस्पोरी, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 5 मेथड से होता है। सबसे पहला है प्राइमरी प्रोटोनिमा, दूसरा है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, थर्ड है बाई गैमी, फोर्थ है बुलबिल्स, और फिफ्थ है बाई एपोस्पोरी, ठीक है। इस टाइप से इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का प्लांट्स हम लोग देखे हैं कि जिन प्लांट्स में दो टाइप के ब्रांच पाया जाता है, प्लांट्स में दो टाइप के ब्रांच पाया जाता है, एक फीमेल ब्रांच और दूसरा मेल ब्रांच, ठीक है। फीमेल ब्रांच जो है उसमें आर्किगोनिया बनता है, और मेल ब्रांच जो है उसमें बनता है एंथ्रीडिया, ठीक है।
मेल ब्रांच के सबसे ऊपर के जो लीप्स है, लीप्स के बीच में एंथ्रेडिया बनता है। ठीक है, एंथ्रेडिया जो बनता है इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इस टाइप से बनता है। ये पूरे लीप्स है, आसपास के लीप्स और लीप्स के अंदर एंथ्रेडिया बनेगा। ठीक है, इस लीप को बोलते हैं पेरिचिटियल लीप्स। इस टाइप के लीप जो एंथ्रेडिया के आसपास पाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, पेरिचिटियल लीप्स। बहुत सारे एंथ्रेडिया बनते हैं, इसको हम एंथ्रेडियल ब्रांच के ऊपर, उसको इसके बीच बीच में एक लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे पैराफाइसिस। पैराफाइसिस का सबसे ऊपर का जो सेल है उसको हम बोलेंगे एपिकल सेल, वो थोड़ा फुला हुआ रहता है। ठीक है, जो मेल ब्रांच होता है, मेल ब्रांच के सबसे ऊपर बहुत सारे एंथ्रेडिया बनता है। ये मेल ब्रांच है, इसमें बहुत सारे लीप से घिरा हुआ एंथ्रेडिया पाया जाता है, इस लीप को हम बोलेंगे पेरिचिटियल लीव्स। और ये बहुत सारे एंथ्रेडिया, और एक एक एंथ्रेडिया के साइड में हेयर लाइक लंबे स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके ऊपर का भाग फुला हुआ रहता है, इसको हम बोलेंगे पैराफाइसिस। ठीक है, अब एंथ्रेडिया का डेवलपमेंट देखेंगे। जैसे सबसे पहले इसके कोई भी, ये जो लीप लाइक अपेंडिजिस मेल ब्रांच है, ब्रांच के कोई भी एक सेल, ब्रांच के सबसे ऊपर के भाग के कोई भी एक सेल एक्टिव होकर डिवीजन करना चालू कर देते हैं। ठीक है, उस एक्टिव होकर डिवीजन करते हैं जो सेल, उसको हम बोलेंगे एंथ्रेडियल इनिशियल सेल, एंथ्रेडियल इनिशियल सेल। ठीक है, उस एंथ्रेडियल इनिशियल सेल जो है इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन से दो भागों में बट जाता है न्यूक्लियस। एक ऊपर के भागों को बोलेंगे अपर सेल, नीचे के भागों को बोलेंगे बेसल सेल। ठीक है, इसमें और डिवीजन होता रहता है, बहुत सारे डिवीजन होता रहता है। होने के बाद क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन से बहुत सारे सेल बनेंगे, कुछ सेल पेरिफेरल होता है, कुछ सेंट्रल सेल रहता है। ठीक है, तो सेंट्रल सेल जो है उसमें वो डिवीजन करके बनाएगा एंड्रोगोनियल सेल और एंथ्रीजोइड्स, और पेरिफेरल सेल जो है वो इसके चारों ओर बनाएगा जैकेट। ठीक है, तो जैकेट सेल बन गया चारों ओर पेरिफेरल सेल से, और सेंट्रल सेल से क्या बना, एंथ्रेडियल इनिशियल सेल। ठीक है, इसमें लगातार डिवीजन चलता रहता है, डिवीजन करके एंथ्रेडियल इनिशियल सेल जो है वो बनाएगा एंड्रोगोनियल मदर सेल, फिर एंड्रोगोनियल मदर सेल और डिवीजन करता रहेगा, करके बनाएगा एंड्रोसाइट्स, एंड्रोसाइट्स में और डिवीजन होगा, एक एक एंड्रोसाइट से दो दो एंथ्रीजोइड्स बनता है। ठीक है, लास्ट में इस टाइप का होता है, जितने भी एंड्रोसाइट सेल्स एंड्रोसाइट से बनेगा एंथ्रीजोइड्स। ठीक है, इस टाइप से एंथ्रीजोइड्स बनता है। एंथ्रीजोइड्स जो है स्पाइरली कॉइल्ड, कॉइल्ड होता है और दो फ्लैजिला, कॉइल्ड एंथ्रीजोइड्स दो फ्लैजिला। ठीक है, इसके ऊपर जब हम एक एंथ्रीडियम को देखेंगे, एंथ्रीडियम के सबसे ऊपर के दो सेल को हम क्या बोलेंगे, कैप्सेल और ऑपरकुलम। ठीक है, ऊपर के दो सेल जो होता है थोड़ा मोटा होता है और बड़े साइज का होता है, इसको हम बोलेंगे कैप्सेल और ऑपरकुलम। ठीक है, इस ऑपरकुलम सेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करके फूल जाता है। फूलने से इस जगह में बहुत सारे म्यूसिलेजिनस मटेरियल आ जाता है, म्यूसिलेज सेक्रेट होता है। ठीक है, और म्यूसिलेज सेक्रेट होता है और फूल जाता है, तो पानी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करके जगह जो है फट जाता है। फटने से इसके अंदर के जितने एंथ्रीजोइड्स बना वो बाहर निकल जाता है। इस टाइप से एंथ्रीडियम है, इसके ऊपर का ऑपरकुलम वाला भाग जो है वाटर एब्जॉर्ब करके फूल गया, फट गया, और एंथ्रीजोइड्स जो है बाहर निकल जाता है। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत ही एसेंशियल है, इसलिए वाटर में ही एंथ्रीजोइड्स जो है फ्री हो जाता है। ठीक है, ऐसे एंथ्रीजोइड्स बन गया, ये मेल ऑर्गेन का डेवलपमेंट है। अब देखेंगे फीमेल ऑर्गेन का डेवलपमेंट, ये आर्किगोनिया का डेवलपमेंट। आर्किगोनिया भी सेम प्लांट्स के उस ब्रांच में पाया जाता है जैसे मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच, फीमेल ब्रांच के सबसे ऊपर के भाग के जो लीप्स है उसके बीच में आर्किगोनिया पाया जाता है। ठीक है, ये फीमेल ब्रांच का सबसे ऊपर का भाग है और ये बहुत सारे लीप्स से घिरा हुआ आर्किगोनिया है। इस लीप्स को हम क्या बोलेंगे, पेरिचिटियल लीप्स, आसपास के लीप को बोलेंगे पेरिचिटियल लीप्स। इसके बीच में आर्किगोनिया पाया जाता है, इसमें भी आर्किगोनिया के बीच बीच में भी यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और उसके ऊपर का भाग फुला रहता है जिसको हम बोलेंगे पैराफाइसिस। ठीक है, पैराफाइसिस सेम एंथ्रेडिया में जैसा था, आर्किगोनिया में भी ऐसा, पैराफाइसिस के सबसे ऊपर का भाग जो है फुला हुआ रहता है। ठीक है, उसको बोलेंगे एपिकल सेल, और बहुत सारे आर्किगोनिया पाया जाता है।
अब देखेंगे आर्किगोनिया का डेवलपमेंट। सबसे पहले इस ऊपर के फीमेल ब्रांच के सबसे ऊपर के कोई भी एक सेल एक्टिव होकर डिवीजन करना चालू कर देते हैं, ठीक है। और एक्टिव होकर जो डिवीजन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, आर्किगोनियल इनिशियल सेल। उस आर्किगोनियल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, दो सेल बनेगा। सबसे पहले बनेगा एपिकल सेल और नीचे बनेगा बेसल सेल, ठीक है। अब इसमें तीन वर्टिकल डिवीजन होता है। इस एपिकल सेल में बेसल सेल से क्या बनेगा, स्टॉक, ठीक है, नीचे का भाग बनेगा। और एपिकल सेल जो है इसमें तीन वर्टिकल डिवीजन होगा, तीन वर्टिकल डिवीजन से बहुत सारे ऐसे सेल बनेंगे, ठीक है। ऊपर के सेल को बोलेंगे एक्सियल सेल की कोचिस बाबा, और नीचे के सेल को बोलेंगे, आसपास के सभी सेल को बोलेंगे पेरिफेरल सेल, ठीक है। एक्सियल सेल जो है उसमें वो डिवीजन करके बनाएगा अपर सेल और सेंट्रल सेल। एक्सियल सेल डिवीजन करके क्या बनाएगा, अपर सेल और सेंट्रल सेल, ठीक है। अपर सेल जो है सेंट्रल सेल से प्राइमरी नेक कैनल सेल, प्राइमरी वेंट्रल कैनल सेल और एग बनेगा। इसमें लगातार डिवीजन होता रहेगा। एक्सियल सेल डिवीजन करके क्या बनाएगा, अपर सेल और सेंट्रल सेल, दो भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। और सेंट्रल सेल जो है वो क्या बनाएगा, प्राइमरी नेक कैनल सेल, प्राइमरी वेंट्रल कैनल सेल और एग, ठीक है। ये है नेक कैनल सेल, यह है वेंट्रल कैनल सेल और ये है एग। ये पूरे चीज कौन बनाएगा, एक्सियल सेल, ठीक है। एक्सियल सेल डिवीजन करके अपर सेल सेंट्रल सेल दो भागों में बट जाएगा, प्राइमरी नेक कैनल सेल, प्राइमरी वेंट्रल कैनल सेल और एग। और नीचे का जो पेरिफेरल सेल, आसपास के जो पेरिफेरल सेल बनता है उससे दो लेयर, दो से तीन लेयर जैकेट बनता है। इसके चारों ओर के जैकेट, जो चारों ओर से घिरा हुआ जैकेट है वो बनाता है पेरिफेरल सेल, ठीक है। इस टाइप से बन जाता है। और एक बार रिपीट कर देते हैं, सबसे पहले कोई भी एक सेल एक्टिव होकर डिवीजन करना चालू कर देते हैं उसको हम बोलेंगे आर्किगोनियल इनिशियल सेल। उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, दो भागों में बढ़ जाएगा, ऊपर का भाग एपिकल सेल, नीचे का भाग बेसल सेल। उसके बाद इसमें तीन वर्टिकल डिवीजन होगा और ऐसे बहुत सारे सेल बनेंगे, बीच में सेल बनता है और किनारे किनारे, ठीक है। सबसे ऊपर बोलेंगे एक्सियल सेल और किनारे किनारे क्या बोलेंगे, पेरिफेरल सेल। पेरिफेरल सेल क्या बनाता है, दो तीन लेयर का जैकेट, इसमें डिवीजन लगातार चलता रहता है और दो तीन लेयर जैकेट बनाएगा। और एक्सियल सेल क्या बनाएगा, अपर सेल एंड सेंट्रल सेल, ठीक है। फिर सेंट्रल सेल में तीन टाइप के सेल बनेंगे डिवीजन करते करते, प्राइमरी नेक कैनल सेल, वेंट्रल कैनल सेल और एग। और इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। चारों ओर जो है नेक है, नेक कैनल सेल बीच में है, वेंट्रल कैनल सेल है, एग है, और नीचे के सेल को हम बोलेंगे वेंट्रल सेल, ठीक है। बाद में क्या होता है, इसके अंदर के नेक कैनल सेल, वेंट्रल कैनल सेल सब खराब हो जाता है और इसके अंदर म्यूसिलेज बन भर जाता है, ठीक है। और ऊपर का भाग जो है रप्चर हो जाता है और इससे जो स्पाइरल कॉइल्ड ये है एंथीजॉर्ड्स बना, वो इसके अंदर से आके इस न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, ठीक है। अब डिप्लॉयड जाइगोट जो है इसका जर्मिनेशन देखेंगे। सबसे पहले डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो साइज में बड़ा होता जाता है, ठीक है। इसमें इसके अंदर के जो न्यूक्लियस है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन से दो भागों में बच जाता है। ऊपर के भाग को बोलेंगे एपिबेसल सेल, नीचे के भाग को बोलेंगे हाइपोबेसल सेल। और इसमें लगातार डिवीजन होता रहता है, डिवीजन होते होते इस टाइप का एक सेल बनाएगा, एम्फीथीशियम एंडोथीशियम, ठीक है। एम्फीथीशियम चारों ओर के जैकेट को बनाएगा और एंडोथीशियम बनाता है कॉलुमेला। कॉलुमेला इसके जो स्पोरोफाइट है थोड़ा अलग टाइप का होता है। जब जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, जाइगोट के डेवलपमेंट के पहले तक, फर्टिलाइजेशन तक, इसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है उसके बाद बनता है स्पोरोफाइट, ठीक है। अब जाइगोट का डेवलपमेंट जैसे शुरू होता है तो स्पोरोफाइटिक स्टेज शुरू हो रहा है। तो जाइगोट जो है रिविजन करके क्या बनाएगा, एपिबेसल सेल, हाइपोबेसल सेल। एपिबेसल सेल से कैप्सूल और सीटा बनेगा, हाइपोबेसल सेल से बनता है फुट और लोअर पोर्शन ऑफ सीटा, सीटा का नीचे का भाग, ठीक है। और बहुत सारे सेल डिवीजन होता रहता है, एम्फीथीसियम एंडोथीसियम, एम्फीथीसियम से बाहर का पूरे लेयर बनेगा और एंडोथीसियम से बनता है कॉलुमेला। इसको स्पोरोफाइट को हम अब देखेंगे। इसके स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, सबसे बीच में नीचे रहता है फुट,
ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा जिसको हम बोलेंगे फुट, जो कि मेल फीमेल ब्रांच में हम देखे हैं। फीमेल जो ब्रांच रहता है इसमें स्पाइरली अरेंज सेल है, इसमें ऐसे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर चला गया और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में एक कैप्सूल्स बना, हम लोग शुरू में देखे थे, है ना। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको यहाँ हम बोलेंगे फुट, इसको बोलेंगे सीटा, और ये है कैप्सूल, ठीक है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही है, ये नीचे तक चला जाएगा, नीचे फुट है, इसको बोलेंगे सीटा, और ऊपर के भागों को बोलेंगे हम कैप्सूल, ठीक है। सीटा सीटा फुट क्या होता है, पेरेन्काइमाटस सेल्स का बना होता है नीचे, और सीटा जो है ये ट्यूबुलर पूरे स्ट्रक्चर लंबे लंबे सेल्स का पूरा बना होता है, अंदर तक चला जाता है। इसके अंदर के भागों सेल को हम बोलेंगे कॉलुमेला। कॉलुमेला मतलब सीधा लंबे लंबे बहुत सारे सेल का ग्रुप होता है जो उसको सीधा खड़ा करने के लिए हेल्प करते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं रहता, ये वास्कुलर स्ट्रैंड बोल सकते हैं इसको, कॉन्डक्टिंग स्ट्रैंड का काम करते हैं, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंचाते रहते हैं कॉलुमेला, ठीक है। यह सीटा हो गया। इसके बाद ऊपर का जो कैप्सूल है वो तीन भागों का बना होता है, सबसे नीचे के भागों को बोलेंगे एपोफाइसिस, उसके बाद के भागों को बोलेंगे थीका, और सबसे ऊपर है ऑपरकुलम, ठीक है। इतने भागों को एपोफाइसिस बोलेंगे। एपोफाइसिस में बीच में एक वास्कुलर स्ट्रैंड रहता है, इसके किनारे किनारे जितने भी सेल रहते हैं सब में क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है, और बाहर एपिडर्मिस रहेगा, एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल का लेयर, ठीक है, क्यूटिकल का लेयर, उसके बाद यूनि एक लेयर का एपिडर्मिस, इसके अंदर जितने भी सेल है उसमें क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है, और बीच में वास्कुलर स्ट्रैंड, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रैंड पाया जाता है, यह थीका। इसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे, थीका, इसको बोलेंगे एपोफाइसिस, इस भाग को एपोफाइसिस, इसके ऊपर के भागों को थीका। थीका जो है सबसे बाहर एपिडर्मिस का एक लेयर रहता है, उसके बाद दो लेयर हाइपोडर्मिस, एक एपिडर्मिस, उसके बाद के जो दोनों लेयर उसको हम बोलेंगे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद वाला जो लेयर रहता है उसमें एयर चेम्बर भरा रहता है, एकदम बहुत सारे एयर चेम्बर वाला एक चेम्बर रहता है जिसको हम बोलेंगे एयर स्पेस, ठीक है। एयर स्पेस में छोटे छोटे फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, छोटे छोटे सेल का फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे ट्रेबिकुली, एयर स्पेस और ट्रेबिकुली, एयर स्पेस ट्रेबिकुली से पूरे चेम्बर बना हुआ रहता है, ठीक है। इसके अंदर का जो चेम्बर है उसको बोलेंगे स्पोर सेक। स्पोर सेक किडनी सेप होता है और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरा हुआ रहता है, इसके बाहर और अंदर बहुत सारे लेयर रहता है, इसको हम बोलेंगे आउटर लेयर, दो तीन लेयर आउटर लेयर रहता है, और इसके अंदर के लेयर को बोलेंगे इनर लेयर, वो सिंगल लेयर रहता है, ठीक है। और बीच में क्या रहता है, कॉलुमेला। कॉलुमेला जो है एकदम नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक जितने भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर चला गया बीच वाले भागों को हम बोलेंगे कॉलुमेला, ये पूरे कॉलुमेला है, ठीक है। और सबसे ऊपर के भागों को बोलेंगे ऑपरकुलम। ऑपरकुलम बहुत सारे लेयर का ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको इसमें बहुत सारे पेरिस्टोम टीथ पाया जाता है, 32 टीथ, 16-16 32 टीथ रहता है, और इसके नीचे के लेयर को हम बोलेंगे एन्यूलस, दो तीन लेयर का रहता है, ठीक है। इस टाइप से फूट सीटा और कैप्सूल तीन भागों में स्पोरोफाइट डिवाइडेड रहता है, ठीक है। फूट पेरेन्काइमाटस, सीटा कॉलुमेला वाला, और कैप्सूल जो है ये होता है, ठीक है। उसके बाद फूट का काम क्या होता है, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंचाना सीटा तक। सीटा का काम क्या होता है, वाटर मिनरल फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करके कैप्सूल तक पहुंचाना, ठीक है। और ऑपरकुलम जो है ढक्कन जैसा काम करता है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। इस ऑपरकुलम में पेरिस्टोम टीथ पाया जाता है, 16-16 ऐसे मोटे मोटे पेरिस्टोम टीथ, 32 पाया जाता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, इसके ऊपर इस टाइप का रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर 16 पेरिस्टोम टीथ नीचे की ओर और 16 पेरिस्टोम टीथ ऊपर की ओर पाया जाता है। आउटर वाला बहुत ही मोटा स्ट्रांग होता है, स्पाइरली सेल्स का बना होता है, और नीचे वाला जो है कलरलेस और सॉफ्ट टीथ पाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके ऊपर में इस टाइप का एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऊपर एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर जिसको ऑपरकुलम बोलेंगे। इस ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर को हम ऐसे देखेंगे, इसको ऑपरकुलम बोलेंगे, ठीक है। जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं तो ऑपरकुलम वाला ढक्कन जो है वो खुल जाता है, ठीक है। फिर स्पोरोफाइट के कैप्सूल वाला भाग जो है सूखता रहता है, सूख जाता है,
और जितने सूखते हैं पेरिस्टोम टीथ जो है हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं, और सूख जाने से क्या होता है ऊपर का ऑपरकुलम वाला भाग जो है खुल जाता है। ठीक है, इस भाग से ऑपरकुलम वाला भाग खुल जाता है, खुलने से इसके अंदर के पेरिस्टोम टीथ जो है अंदर की ओर, ये बड़े बड़े पेरिस्टोम टीथ आउटर वाला जो है नीचे की ओर मुड़ना चालू कर देते हैं, ये ऊपर की ओर इनर वाला ऊपर की ओर मुड़ना चालू कर देते हैं। और इसके अंदर जितने भी स्पोर्स भरा हुआ रहता है, स्पोर सेक के जितने भी स्पोर्स भरा हुआ रहता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस टाइप से इसका डिस्पर्सल होता है स्पोर का। स्पोर डिस्पर्सल होने के बाद स्पोर दो लेयर का बना होता है, उससे जर्म ट्यूब निकलेगा। जर्म ट्यूब बहुत सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगा जो नीचे की ओर राइजोइड्स बनाएगा और ऊपर की ओर प्लांट बॉडी बनाता है। ठीक है, इस टाइप से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है।